लगाए जाने का ऐलान उन्होंने किया है और सभी स्कूलों में स्वास्थ्य जांच की जाएगी, छात्रों की स्वास्थ्य के परीक्षण किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इस बात की घोषणा की है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, पूरे प्रदेश में ये स्वास्थ्य के लिए शिविर जो है वो आयोजित किए जा रहे हैं। पूरे प्रदेश में ऐसे पिछड़े जनजाति क्षेत्रों में विशेष कैंप लगाकर उनकी स्वास्थ्य चेकअप की जाए, साथ ही साथ प्रत्येक स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण कार्य कल से प्रारंभ कर दिए जाए। सभी जगहों में ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो स्वास्थ्य परीक्षण स्कूलों में जाकर करने का काम है उसको तीव्र गति से करके स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए, ये निर्देश पूरे प्रदेश के लिए यहां से जारी करता हूं। निर्देश सुजीत शाह मनेन्द्रगढ़ से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सुजीत, ये जो स्वास्थ्य के लिए शिविर लगेगा, क्या केवल छात्र छात्राओं के लिए ये रहेगा या फिर पूरे प्रदेश के लोग इसका फायदा उठा पाएंगे और ये कब से लगना शुरू होना है, क्या इस बात की जानकारी मंत्री के द्वारा दी गई? बिल्कुल, आपको बता दूं स्वास्थ्य मंत्री जो है अपने मनेन्द्रगढ़ विधानसभा जो कि मनेन्द्रगढ़ विधानसभा विधायक है स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल आज बैगा जनजाति जो कि खड़गवा के कटकोना के ग्राम पंचायत का इलाका है वहां पे ये बैगा जनजाति आदिवासी समुदाय के बड़ी संख्या में यहां पे जो निवास करते लोग वहां पे स्वास्थ्य शिविर का आयोजन कराया गया था जिसके तहत स्वास्थ्य मंत्री यहां पे पहुंचे हुए थे और मंच से उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश भर में कल से सभी जगहों पर इसी तज पर स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाएगा। वहीं प्रदेश के सभी स्कूलों में स्वास्थ्य बच्चों का स्वास्थ्य प्रशिक्षण किया जाएगा जिसको लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने आज यहां पे घोषणा की है और यहां से जो अब घोषणा के साथ ही ये कल से पूरे प्रदेश भर में लागू हो जाएगा जी। लेकिन एक चीज और है इसमें सुजीत, के स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जो नतीजे आएंगे उसके बाद उपचार की भी जरूरत पड़ सकती है, उसको लेकर भी मंत्री जी ने कुछ कहा है क्या? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्री ने एम्बुलेंस सेवा के लिए एक पहल की है और साथ ही आने वाले 15 दिनों में गांव मोहल्ला और प्रत्येक जगह पे ऐसे तमाम एम्बुलेंस जाएंगे जहां पे मोहल्ला और ग्रामीण क्षेत्रों के तत्काल वहां पे इलाज होगा, वहीं से दवाई भी बांटी जाएंगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने इसके लिए जो कि काफी ज्यादा जो कि बच्चों में गंभीर बीमारियों की समस्या जो सामने आ रही है उसको लेकर के स्वास्थ्य शिविर का आयोजन पूरे प्रदेश भर में जो है आज घोषणा की है और कल से ये पूरे प्रदेश भर में लागू होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर की बात करते हैं, अगली खबर अंबिकापुर से। अमर अग्रवाल ने राहुल गांधी के ऊपर निशाना साधा है, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर निशाना साधा है। दरअसल छत्तीसगढ़ से होकर गुजर रही है यात्रा और इसमें सरगुजा में राहुल के दौरे का बीजेपी को फायदा मिलेगा, ये उन्होंने कहा है। बीजेपी को पिछली बार से बड़ी जीत यहाँ हासिल होगी, ये भी उन्होंने कहा है। कि जहाँ जहाँ वो गए, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के, तहाँ तहाँ बंठाधार 825 से लीड किए। अभी हम लोग 1,92,000 से आगे हैं, ये 8वां विधानसभा में, लोकसभा में। राहुल गांधी आने के बाद मुझे उम्मीद है कि ये आंकड़ा और पार हो जाए। इधर बीजापुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहाँ पर IED में ब्लास्ट हुआ है। IED यहाँ पर नक्सलियों ने प्लांट करके रखा था और IED ब्लास्ट हुआ है, नक्सलियों ने छिपाकर ये वारदात अंजाम दी है। कायराना करतूत नक्सलियों की इसे कहा जा सकता है। प्रेशर IED की चपेट में आने से एक जवान भी जख्मी हुआ है। इसके अलावा मौके से 3 प्रेशर IED और बरामद किए गए हैं। घायल जवान को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। दंतेवाड़ा में ये इलाज चल रहा है और दूसरी तरफ 3 और IED जो बरामद किए गए हैं, प्रेशर IED, इनको निकाल करके इन्हें डिस्पोज यानी कि नष्ट किया गया। और कितने ताकतवर ये आईईडी थे इस तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा लगा पाएंगे कि कितना, अगर जवान और जवानी इसकी चपेट में आते तो कितना बड़ा नुकसान सुरक्षा बल के जवानों को हो सकता था। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई। इधर बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 बाइक में टक्कर हो गई। आपने आमने सामने की टक्कर बताई जा रही है और टक्कर का CCTV फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं CCTV में, कैसे 2 बाइक जो हैं वो आपस में टकरा जाती हैं। आमने सामने की टक्कर इन दोनों के बीच होती है और CCTV में ये तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक दुकान का ये CCTV है और कुछ लोग फिर निकल कर आते हैं मदद के लिए और मदद पहुँचाते हैं।
बाइक सवार एक युवक की इसमें मौत हो गई जबकि एक इसमें जख्मी बताया जा रहा है। कितनी भीषण दुर्घटना है ये आप देख सकते हैं। इधर सीएम विष्णुदेव साय ने जशपुर में मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय का उद्घाटन किया। गृहग्राम बगिया में कैंप कार्यालय खोला गया है। सरगुजा संभाग समेत आसपास के जिलों के लोगों की समस्याएं यहीं पर सुनी जाएंगी। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के लिए 3 फोन नंबर भी जारी किए गए हैं। कैंप कार्यालय से सीएम ने फोन पर मरीज सुकांति बाई से बात की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल लिया। सीएम कैंप कार्यालय के जरिए अब तक 75 से ज्यादा मरीजों का इलाज हो चुका है। हेलो हेलो सुकांति, हाँ मैं बगिया ले बोलत हाँ, विष्णुदेव साहब बोलत हाँ मुख्यमंत्री। हेलो मैं विष्णुदेव साहब बोलत हाँ बगिया ले मुख्यमंत्री। हेलो हाँ आवाज आता है और इलाज उलाज बढ़िया चलता है ना? अच्छा बढ़िया चलते है, अस्पताल है, डॉक्टर मन बढ़िया देखते हैं। अच्छा चला मैं बगिया आए रहे हैं तो मैं पूछ सोते तापमान से हाल चाल ले लो है ना। हाँ बढ़िया हुआ जल्दी है ना, भगवान से प्रार्थना है जल्दी स्वस्थ होकर घर आवा। ठीक है हाँ हाँ चला धन हाँ हाँ धन्यवाद धन्यवाद हाँ। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने एक बड़ा बयान दिया है और कहा है कि वे लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने वाले। टीएस सिंहदेव ने स्वास्थ्य और पारिवारिक कारणों का हवाला देकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। उन्होंने हालांकि आगामी आम चुनाव में प्रदेश की आधी सीटें जीतने की संभावना जताई है। सिंहदेव ने कहा है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ की 11 में से 5-6 सीटें जीत सकती है। मैं नहीं लड़ूंगा, अभी मीटिंग भी हुई थी, वहाँ बात भी आई थी, मैंने कहा व्यक्तिगत मेरे पारिवारिक कारण है, स्वास्थ्यगत कारण है परिवार के, उन परिस्थितियों में मैं लड़ नहीं पाऊंगा। और कई लोग कहते हैं सरगुजा से आप लड़ेंगे क्या, तो वो तो आरक्षित सीट है, कि अन्य जगह से भी बात आई थी, कोरबा से भी बात आई थी, बिलासपुर से भी बात आई थी, तो मैं उस स्थिति में ही नहीं हूँ। लेकिन आधी से ज़्यादा सीटों में कांग्रेस की अच्छी संभावना है और हम लोग चाहेंगे कि आधी से ज़्यादा सीटें कांग्रेस जीते, प्रयास रहेगा सभी जीतने का।